हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लॉन्ग स्लीव डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह स्लीव डिज़ाइन बनाने के लिए आपको शोल्डर से यहाँ तक का मेजरमेंट लेना है। फिर हम यहाँ से हमारी जो रिंग फिंगर है वहाँ तक का हम मेजरमेंट लेंगे। इस तरीके से मेरा यहाँ तक का जो मेज़रमेंट है वो 4 इंचेस है और ऊपर वाला जो मेज़रमेंट है वो मेरा 20 इंचेस आया था। तो टोटल जो स्लीव की लेंथ है वो मेरी 24 इंच है। 24 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे सिलाई के लिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर मेरी स्लीव की जो लेंथ है वो 25 इंचेस रखी है। सबसे पहले हम 25 इंचेस की लंबाई का इस तरीके का फैब्रिक कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। अब हम फोल्ड किए हुए हिस्से से हमारी जो स्लीव है उसको इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। पहले हम 1 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे, फिर यहाँ से हम 1.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाएंगे और नीचे से हमें 3 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क लगाना है। यह वाला 3 इंच है वहाँ से हमें 1.5 इंच की दूरी पर मार्क लगाना है और ऊपर वाले मार्क से इस तरीके से मिला देना है। अब हमें यहाँ से 20.5 इंच की दूरी पर एक मार्क लगाना है। यह वाले मार्क पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें हमारी स्लीव की मोहरी को मेजर करना है। आपका जो भी मेजरमेंट आए उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है। मैं यहाँ पर 6 आया है तो 7 इंचेस लूंगी। 7 का हाफ यहाँ पर 3.5 है तो मैं यहाँ पर 3.5 इंच की दूरी पर मार्क करूंगी। इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। अब हमें यह वाले मार्क को और यह वाले मार्क को मिला देना है। मार्क को मिलाने के बाद हमारी जो स्लीव है कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हमें आगे की तरफ यहाँ से ऊपर की तरफ 1 इंच का मार्जिन लेना है और नीचे वाले मार्क को इस तरीके से मिला देना है। अब हमें यहाँ का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करना है। पहले हम आगे की तरफ से इस तरीके से कट करेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ आगे की तरफ का ही एक ही हिस्सा इस तरीके से कट करना है, पीछे में कट नहीं करना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर हमारी स्लीव की कटिंग कर ली है। अब हम आगे की तरफ डिज़ाइन को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें 1.5 इंचेस की चौड़ाई की इस तरीके की तिरछी पट्टी कट कर लेनी है। पट्टी को हमें हमारी रॉन्ग साइड पर इस तरीके से फोल्ड करना है और उसकी एक किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। आगे की तरफ लूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 इंचेस की इस तरीके की डोरी को तैयार कर लिया है। पहले हम स्लीव को बीच में से फोल्ड करेंगे और उसका इस तरीके से सेंटर निकाल लेंगे। इस तरीके से सेंटर निकालने के बाद अब हमें हमारी स्लीव की फैब्रिक की सीधी साइड और हमारी पट्टी की भी सीधी साइड को इस तरीके से आमने सामने रखना है। पट्टी पर हमने जहाँ पर सिलाई नहीं लगाई है वह वाला हिस्सा हमें यहाँ पर अटैच करना है। डोरी का जो लूप है उसका यह फोल्ड किया हुआ हिस्सा हमें ऊपर की तरफ रखना है। उसे हमें सेंटर में सेट करना है और पट्टी को हमें किनारी पर अटैच करना है। इस तरीके से पट्टी को अटैच करने के बाद अब हमें पट्टी की किनारी पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर हमारा जो फैब्रिक है वो इस तरफ होना चाहिए। यहाँ पर हम इस तरीके से कट लगा देंगे जिससे हमें पट्टी को सीधी तरफ पलटने में आसानी होगी। अब हम हमारी पट्टी को हमारी स्लीव की रॉन्ग साइड पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे और करीब 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेंगे।
सिलाई लगाते वक्त यहाँ पर इस तरीके से पट्टी में हमें कहीं कहीं पर प्लेट ले लेनी है। स्लीव को इस तरीके से तैयार करने के बाद मैंने उसको इस तरीके से हमारी कुर्ती में अटैच कर दिया है। अब हमें उसे बीच में से फोल्ड करना है और साइड सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से स्लीव को तैयार कर लिया है। जब हम स्लीव को इस तरीके से पहनेंगे तब हमें सबसे पहले उसे इस तरीके से फिंगर में जो हमारा लूप है उसे इस तरीके से डालना है। यदि आप स्लीव को इस तरीके से पहले नहीं डालेंगे और बाद में उसे डालने की कोशिश करेंगे तो आपका लूप वाला जो हिस्सा है वो फिंगर में डालने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप जब भी कुर्ती को वेयर करें सबसे पहले आपको लूप वाले हिस्से को इस तरीके से अपनी उंगली में डाल देना है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।